जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। तो सब अजीब अजीब बातें कर रहा है, अपनी पत्नी ना पहचान लो। ठीक है, मैं देखता हूँ, आप बाहर जाइए। चल बेटे बेटा, देखिए आप सब लोग बाहर वेट कीजिए, मुझे पेशेंट को एग्जामिन करना है। Get relaxed. Get ready injection. सिद्धार्थ जी मिठे को अपना पत्नी ही नहीं मान रहे, तो बात करना तो दूर, मेरा ये शक्ल भी नहीं देखना चाहते हो। गोपाल जी ना करे, अगर यादव चली गई है तो क्या होगा? कैसी बातें कर रहे हैं प्रमोद जी? अरे मैं अगर यादव गई होती सिद्धार्थ की तो फिर हम में से किसी को नहीं पहचानता ना वो। कहाँ गया सिद्धार्थ को? देखिए पहली बात, सिद्धार्थ आउट ऑफ डेंजर, पर उनके सिर पर चोट लगने के बाद उनके दिमाग के किसी हिस्से पर बड़ा आघात हुआ और इसीलिए तो वो अपनी पत्नी को पहचान नहीं पा रहे हैं। उन्हें पार्शल एमनेसिया हुआ है। मतलब सर पर चोट लगने के बाद पूरी तरह से याददाश्त जा सकती है या इस तरह उनके दिमाग से उनकी जिंदगी का एक पूरा हिस्सा निकल चुका है। इसलिए तो वो सबको पहचान रहे हैं, पर वो शादी के पहले और बाद की घटनाओं में से उन्हें कुछ भी याद नहीं है और इसी को हम पार्शल एमनेसिया कहते हैं। तो सब तो कभी कभी याद ही ना आएगा कि मैंने ऐसा नहीं कहा, उनकी याददाश्त वापस आ सकती है पर धीरे धीरे। पहले आप उनको घर पे ले जाइए, उनके रूटीन, उनको इन सब की आदत होगी और हम भी चेक करते रहेंगे और हो सकता है कुछ दिनों में या तो महीनों में उनकी याददाश्त वापस आ जाए या फिर हो सकता है कि उनकी वो यादें लौट कर कभी वापस आए ही ना। देखिए आप सबको ध्यान रखना होगा, उन्हें कुछ भी जबरदस्ती याद दिलाने की कोशिश ना करें। और आप उनकी पत्नी हैं, आपको संयम से काम लेना होगा। देखिए आप सब भी ये ध्यान रखें, अगर उनके ब्रेन पर ज्यादा दबाव बना तो उनकी हालत बिगड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। उम्मीद है आप सब धीरज से काम लेंगे। सर बेटा संभाल अपने आप को। पला टल गई, भगवान का शुक्र है ठीक ठाक वापस आ गया। एक मिनट अम्मा। गर्मा गर्म चाय और दद्दू के पोते आपके लिए ग्रीन वाली कड़वी चाय।
तुम क्या नया ड्रामा? हॉस्पिटल में वाइफ बनी खड़ी थी और अब ये दादू? दद्दू के पोते? स्टॉप कॉलिंग मी दद्दू के पोते। क्या प्लानिंग है तुम्हारी? दुकान हथियाना चाहती हो या पैसा चाहिए? दादू ये क्या कर रही है अब तक इस घर में? तो बड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बनी फिरती थी ना, तो फिर क्यों अब तक इस घर में? दादू प्लीज, या तो इसे मेरे सामने से हटाइए या मुझे मेरे कमरे में लेकर चलिए। चुम भैया प्लीज, इसे देखकर मेरा सर फटा जा रहा है। नॉनसेंस, नॉनस्टॉप बकबक। अरे दद्दू ने इस घर में एक कमरा किराए पे दिया है मिठाई को, अब आप ही बताइए कैसे जाएगी मिठाई। हाँ बेटा सिद्धा, चल चल तू आराम कर अपने कमरा में, चल चल कड़वे कर देते। अब कड़वी चाय पियेंगे तो कड़वा ही बोलेंगे ना। अरे क्या किया तूने मिठाई? हाँ मिठाई, तुम अब इस घर की बहू हो और इस सच्चाई को कोई नहीं झुठला सकता। समझे, इस सच्चाई की कीमत क्या हो सकती है? मिठाई ने सुन लिया है डॉक्टर साहब से, और सिद्धार्थ जी की जान से ज्यादा प्यारी नहीं है। मिठाई को अपनी शादी की यादें और निशानियां और तेरा मंगलसूत्र कहाँ है? मिठाई, ये मंगलसूत्र है और कोई भी औरत इसे कभी भी गले से उतारती नहीं है। हाँ ऐसा करना बहुत अशुभ होता है बेटा। मिठाई ने उतारा नहीं है, गोपाल के चरणों में रखा है बस, वही इसकी रक्षा करेंगे। पहनाए भी तो उन्होंने है ना। लेकिन मिठाई, ये मंगलसूत्र शादी का प्रतीक होता है। अगर ये प्रतीक ही मिठाई और उसके पति के बीच में आ रहा है तो इसको गोपाल के चरणों में सौंप देने से अच्छा और कुछ हो सकता है क्या? और शादी ना दादी प्रतीक नहीं है, शादी तो उनकी और मिठाई की आत्मा का रिश्ता है। अभी वो आत्मा इस रिश्ते को पहचान ही नहीं पा रही है, इसे देखकर उन्हें तकलीफ ही हो रही है ना? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।